वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी वो नाम है जिसे आज ब्रांड माना जाता है। साल 2014 के चुनावों से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी के जीतने की वजह अकेले नरेंद्र मोदी रहे हैं, लेकिन साल 2014 से लेकर 2024 तक के लोकसभा चुनावों में जो भी बदलाव आए हैं वो सब हमने अपनी आंखों से देखे हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2024 में नरेंद्र मोदी के इतने ज्यादा मार्जिन से जीतने की वजह देश के मुस्लिम हैं, जिन्हें बीजेपी सरकार में भेदभाव महसूस हुआ। लेकिन दोस्तों, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी सरकार ने मुस्लिमों के लिए बहुत सी योजनाएं लागू की गई, जिनका फायदा भी मुसलमानों ने खूब उठाया है। कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी और नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, इसलिए उन्हें वोट भी नहीं देते। मगर दोस्तों, इनमें से कौन सी बात सच्ची है, जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से ही हमारे देश में लोग दो खेमों में बट गए हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि लोग धर्म के आधार पर पता लगा लेते हैं कि वो किस पार्टी को पसंद करते होंगे या वोट करते होंगे। जी हाँ दोस्तों, देश के मुसलमानों में बीजेपी के लिए जो नफरत है वो किसी से छुपी नहीं है, और न ही वो लोग नरेंद्र मोदी को कुछ खास पसंद करते हैं। हालांकि कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी के कामों की तारीफें करते हैं। अब सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में मुसलमानों के लिए वाकई कुछ किया है, तो आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार चुनाव जीता था और केंद्र के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तब उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, जिसको उन्होंने अपने कार्यकाल में जमीनी स्तर पर लाने की भी कोशिश की। और मोदी सरकार में उन सभी तबकों का खास ख्याल रखा गया जो समाज में पिछड़े हुए हैं। शुरुआती कार्यकाल में आते ही मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक जैसे कुरीति से बचाकर एक तोहफा दिया था, और मोदी ने अपने नारे को पूरी तरह से सार्थक बनाने के लिए पूरी तरह से उसके ऊपर काम किया और अपनी योजनाओं में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। लेकिन साल 2024 के चुनाव परिणामों को देखने के बाद कुछ लोग ये मानते हैं कि भले ही मोदी जी किसी समुदाय के लिए कितना कुछ कर ले, लेकिन उस समुदाय के दिल में मोदी और भाजपा के लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान के मुस्लिम समुदाय ने मोदी जी के साथ गद्दारी की उन्हें वोट ना देकर, लेकिन ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि ये देश लोकतांत्रिक देश है जहां लोगों को अपना वोट किसे देना है और किसे नहीं देना है उसका हक उनके पास है, और किसी एक पार्टी को वोट ना देने से कोई भी इंसान गद्दार नहीं हो सकता। जो लोग 2024 के नतीजों से नाखुश हैं और भाजपा की कम सीटों से जीत को एक हार की तरह देख रहे हैं और एक ही समुदाय पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, तो उन्हें ये बात समझने की जरूरत है कि इस देश का हर नागरिक, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसे अपना वोट सोच समझकर किसी को भी देने का हक है। लोगों की सोच बदलना मुश्किल है, लेकिन वोट किसे देना चाहिए और किसे नहीं, ये भारत के किसी भी नागरिक का व्यक्तिगत फैसला होता है। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि 2024 में भाजपा की इस दुर्दशा की वजह भारत के कुछ हिंदू भी हैं। वो हिंदू जो भाजपा को मसीहा समझ रहे थे और सनातन धर्म का राक्षस मानते थे, उन्होंने जब भाजपा और मोदी जी का मुस्लिम समुदाय की तरफ झुकाव देखा तो हिंदुओं ने भी भाजपा पर विश्वास करना बंद कर दिया। भारत के अगर हिंदू समुदाय के अंदर एक ऐसी भावना जागृत हुई है जिसके तहत उन्हें यह लगने लगा कि साल 2019 से लेकर साल 2024 के बीच मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे कार्य किए जिन्होंने हिंदुओं के हित को नुकसान पहुंचाया, और साथ ही साथ ये पूरा कार्य पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय के हित में थे, जबकि इससे पहले साल 2014 से साल 2019 के कार्यकाल के दौरान मोदी ने हिंदू और हिंदुत्व के लिए बहुत से कार्य किए और साथ ही साथ हमेशा हिंदू और हिंदुत्व को बढ़ावा दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई जिनका सीधा फायदा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों को पहुंच रहा था, जिसके कारण से कहीं ना कहीं भारत का वो हिंदू समाज मोदी और भाजपा से नाराज हो गया, क्योंकि वो भाजपा को सत्ता में इसलिए लेकर आए थे क्योंकि वो मानते थे कि मोदी और भाजपा हिंदुत्व के लिए कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन जब उन्हें ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया
तो उन्होंने इस साल के लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं दिया। अब बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि क्या मोदी भी कांग्रेस की तरह मुस्लिम समुदाय को एक बार फिर से खुश करने के लिए हिंदुत्व की अवहेलना करेंगे, और अगर ऐसा किया तो फिर क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि साल 2019 से लेकर साल 2024 के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तरह के मुस्लिम कार्यक्रम किए और साथ ही साथ कई तरह के मुस्लिम कार्यक्रम में शामिल भी हुए, जिन्हें देखकर भारत के हिंदुओं को इस बात का डर सताने लगा कि एक बार फिर से हिंदुओं को ठगा तो नहीं जाएगा, और क्या हिंदुत्व सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है। दोस्तों, जो लोग देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ वही इस बात पर यकीन रखते हैं कि भारत में हिंदू खतरे में है या फिर मुस्लिम खतरे में। असल में अगर बात की जाए तो कोई भी खतरे में नहीं है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री बिना भेदभाव के हर समुदाय के विकास के बारे में ही सोचेगा। मुस्लिम समुदाय उन्हें वोट करे या ना करे, लेकिन प्रधानमंत्री हर व्यक्ति के विकास के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, मोदी सरकार में मुस्लिमों के लिए कई विशेष काम करने का दावा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोदी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे हज यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं, जैसे कि हज सब्सिडी को समाप्त करके उन पैसों को अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा और कल्याण पर खर्च करना, उस्ताद योजना के तहत पारंपरिक कलाओं और शिल्प को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे मुस्लिम कारीगरों को नई बाजारों में प्रवेश करने में मदद मिल रही है। मोदी सरकार ने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए भी सबसे जरूरी कानून बनाया, यानी कि 3 तलाक को अपराध करार दिया गया, और जिसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं को अधिक सुरक्षा और अधिकार प्राप्त हुए। और इसके अलावा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कई शैक्षणिक और आर्थिक योजनाएं चलाई गई, जैसे कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ताकि मुस्लिम स्टूडेंट्स को अधिक एजुकेशन मिल सके। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। इसके अलावा हुनर हाट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से मुस्लिम कारीगरों और शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। मोदी सरकार में ही मदरसों को और ज्यादा आधुनिक बनाने और उसमें पढ़ रहे स्टूडेंट्स को इस्लामिक शिक्षा के अलावा साइंस, मैथ्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है। और ऐसी ही न जाने कितनी योजनाएं भारत सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए चलाई है, जिसे ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार में सबका साथ और सबका विकास पर ध्यान दिया गया है। इसी वजह से दोस्तों, कोई भी देश क्यों ना हो, हर देश का नेतृत्व करने वाला लीडर उस देश के हर नागरिक के विकास के लिए जिम्मेदार माना जाता है, और फिर चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखता हो। भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी भारत के हर समुदाय, हर तबके के हर व्यक्ति के विकास के लिए जिम्मेदार है। एक लोकतांत्रिक देश में किसी एक धर्म के प्रति किसी भी लीडर का झुकाव होना गैर संवैधानिक है, और इसकी वजह से देश की उन्नति में बाधा बढ़ती है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।